दोस्तों एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। झारखंड बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है जो कि इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों अभी बच्चों में जो है काफ़ी ज़्यादा असमंजसताएं फैली हुई है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न अभी बना हुआ है कि अभी जो है एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से होने वाला है। कि दोस्तों कुछ दिन पहले जो है अभी जैक ने जो एक बहुत बड़ा जो है अपडेट दिया था, जिसमें बताया था कि शिक्षक संघ की तरफ से जो है मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम पैटर्न को बदलने को लेकर एक प्रस्ताव भेजा गया था और उसमें साफ साफ ये दिया गया था सिर्फ 80 अंकों का आप लोगों को लिखित एग्जाम से लिया जाए, यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं लिया जाए। तो अब जो है बच्चों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है कि अब जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव परीक्षा होगी या सिर्फ जो है सब्जेक्टिव परीक्षा 80 अंकों का लिया जाएगा। इस वीडियो में आपको कंप्लीट अपडेट देने वाला हूं। साथ ही दोस्तों इसी से रिलेटेड जो है जैक की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है जो कि आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों का क्लास 8th, 9th और 11th वालों का जो एग्जाम्स है, ठीक है, एग्जाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर है। और दोस्तों इसका जो एग्जाम्स होगा वो आपका ओमार पर लिया जाएगा, जो कि आपका जो है 2023 वाला जो पैटर्न है उसको दोहराया जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी यहाँ पे अपडेट ये दी गई है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जो एग्जाम पैटर्न है उसको बदला जा सकता है, उसको बदल दिया जा सकता है, क्योंकि जैक को जो प्रस्ताव भेजा गया है उसको लेकर आज जो है हाई लेवल की मीटिंग है। दोस्तों यहां पे देखिए अपडेट क्या दिया गया है। आप सबसे पहले यहां पे समझिएगा दोस्तों कि क्लास 10th और 12th वालों का जो एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, ये जो आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसको आप लोग समझें। तो अभी जो है आपका आप जो तैयारी कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के तौर पर कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव 40 अंक का है और सब्जेक्टिव जो है 40 अंक का है, जो कि आपका 2023 में जो है इसको पैटर्न को लागू किया गया था। लेकिन दोस्तों अब जो है शिक्षक संघ की तरफ से जो यहाँ पे पैटर्न को बताया जा रहा है कि ये 40 और 40 दोनों को हटा दिया जाए और सिर्फ जो है 80 अंक का, ठीक है, सिर्फ जो है 80 अंक का जो है सिर्फ लिखित एग्जाम आप लोगों का लिया जाए। यानी कि दोस्तों इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, टोटल जो है सब्जेक्टिव के तौर पर आप लोगों का एग्जाम लिया जाए। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट है जो कि आप यहाँ पे हमारे राइट साइड में देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है कि जैक की नई परीक्षा और पाठ्यक्रम समिति जो है गठन की गई है, यानी कि आप लोगों की जो एग्जाम्स होना है, जैसे आप सभी को पता है कि मार्च में आप लोगों का जो है 2-3 सप्ताह के बाद जो है मार्च के सेकेंड या थर्ड वीक में आप लोगों का जो है एग्जाम्स होना है, ठीक है, फाइनल एग्जाम आप लोगों का लिया जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप क्या लिखा है इसको आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना है। देखिए लिखा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल अर्थात जैक ने परीक्षा समिति, पाठ्यक्रम समिति के साथ साथ मान्यता समिति व वित्तीय समिति का गठन कर दिया है। जैक के सचिव, ठीक है, जैक के सचिव सच्चिदानंद तिंगा ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, यानी कि आप लोगों का जो है सोमवार को जो है अधिसूचना इसका जारी कर दिया गया है, इसका लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आगे लिखा है कि जैक के अध्यक्ष जो है डॉक्टर अनिल कुमार महतो मान्यता समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि जैक के उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद सिंह को परीक्षा समिति, पाठ्यक्रम समिति और वित्तीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यानी कि दोस्तों आपका जो एग्जाम पैटर्न होना है वो किस प्रकार से लिया जाएगा, क्या मैट्रिक में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ही पैटर्न रहेगा या सिर्फ जो है 80 अंकों का सब्जेक्टिव पैटर्न जो कि आपका एग्जाम लिखित के रूप में लिया जाएगा यह रहने वाला है, इसको लेकर जो है यहाँ पे अध्यक्ष की जो है घोषणा की गई है। साथ ही दोस्तों आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस कितना रहने वाला है, क्या सिलेबस में कटौती किया जाएगा, या जिस तरीके से आप लोगों ने देखा है कि आपका जो न्यू सिलेबस है उसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक है उसे हटा दिया गया है, उसे डिलीट कर दिया गया है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर को भी हटाया गया है जिसमें क्रियाकलाप भी हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो है पाठ्यक्रम के अनुरूप जो है जो कि पिछले कक्षा में आप लोग पढ़े हैं उसको भी हटाया गया है। तो देखिए आगे यहाँ पे क्या लिखा है कि जैक मान्यता समिति में विधायक सुदीप कुमार और डॉक्टर अरुण कुमार महतो, डॉक्टर राधा रमन साहू और भगत बड़ाईक सदस्य होंगे। जैक के सचिव मान्यता समिति के सचिव होंगे, वहीं जैक की परीक्षा समिति के विधायक नारायण दास, डॉक्टर दामचंद्र राम कश्यप, डॉक्टर अरुण कुमार महतो व एस एम ओमेर सदस्य होंगे, जबकि जैक की परीक्षा नियंत्रण समिति के सचिव होंगे। यानी कि जो आपका एग्जाम का
काउंसलर होंगे वो क्या होंगे, वो जो होंगे जैक ही लेंगे, ठीक है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है कि आप लोगों की जो परीक्षा पर निर्णय होना है और पाठ्यक्रम की मंजूरी होनी है वो 1 से 2 सप्ताह के अंदर आप लोगों का जो है लिया जाएगा। अब यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है दोस्तों कि 8वीं 9वीं 11वीं वालों का तो एग्जाम तो ओमार पर है, ये तो यहाँ पे इस पर कोई जो है डिस्कस नहीं किया जा रहा है, लेकिन 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 जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र हैं उसमें असमंजसताएं बनी हुई है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पर आप लोग जो है तैयारी करते रहिए, क्योंकि दोस्तों अगर मान के यही पैटर्न रहता है तो आपकी तैयारी जो है बरकरार रहेगी। अगर बाय चांस अगर इस पैटर्न को चेंज करके सिर्फ ये सब्जेक्टिव वाला 80 अंकों का लिखित एग्जाम के रूप में जो है इसको जो है निर्धारित किया जाता है, इसको जो है अपनाया जाता है, तो फिर भी आपकी तैयारी बरकरार रहेगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के साथ साथ आप सब्जेक्टिव भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको जो है कोई जो है फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो सकती है क्योंकि ये एग्जाम जो था ना, एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वाला था, ये वाला क्या करता था, आपका जो नंबर है, ठीक है, आपका जो है नंबर जो है वो काफी ज्यादा बूस्ट करता था, ये ऑब्जेक्टिव वाला आपका जो है नंबर बढ़ाने का काम करता था, और सब्जेक्टिव वाला जो है जितना आप लोग लिखते थे, जितना आपको याद रहता था क्वेश्चन उतना आप लोग जो है लिख लेते थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, इसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा, और दोस्तों इसमें बता दें क्वेश्चन जो है लगभग आपका 26 से लेकर दोस्तों 32 क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार से आपका पैटर्न हो सकता है। अभी देखिए 1-2 दिन आप लोग वेट कीजिए, इस पर जो है फाइनल डिसीजन होने वाला है कि क्या मैट्रिक इंटरमीडिएट का पैटर्न पर कुछ जो है बदलाव किए जाएंगे या फिर से जो है 2023 वाला ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ही रखा जाएगा।